अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मित्रों, साथियों, अग्रज, अनुज, अग्रजा, अनुजा, आप सभी को बीए ऑनर्स आर्ट्स एडमिशन 2019 के आर्ट्स फैकल्टी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आया हूँ। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और देखने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज़ से अवेयर हो सके। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो क्लास 12 तक आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, उन सब के बारे में बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके, और इससे आसानी ये होगी कि आपको पता लग जाएगा कि हमने सब्जेक्ट कौन से चूज़ करने हैं जब हम एडमिशन के वक्त, जब काउंसलिंग के वक्त हम BHU के प्रांगण में पहुँचेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करता हूँ। ये है आपकी आर्ट्स फैकल्टी, बहुत ही खूबसूरत सी मातृ संकाय के नाम से जिसे जाना जाता है, और BHU की सबसे पुरानी फैकल्टी यही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही इस फैकल्टी या संकाय की स्थापना की गई थी। तो यू विल एंजॉय ओवर देयर, और अब ये कोएड हो चुका है 2017 से। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ इट वॉज एक्सक्लूसिवली फॉर बॉयज़, लेकिन अब को एजुकेशन हो चुका है, लड़के लड़कियाँ सभी पढ़ाई करते हैं अच्छे तरीके से। तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए, BHU BA आर्ट्स है तो इसमें BHU BA सोशल साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ साइंस के भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जैसे कि स्टैटिस्टिक्स और ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स। ऑलराइट, अब मैं बताता हूँ आपको विस्तार से कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। ये 21 कॉम्बिनेशन है, वैसे तो कहने को 132 सब्जेक्ट हैं इस पर्टिकुलर फैकल्टी में, 132 सब्जेक्ट्स आर देयर, बट 21 कॉम्बिनेशन जो है वो मतलब बेहतरीन है और अच्छे माने जाते हैं, और यही प्रेफरेंस भी मिलती है आप लोगों को। ऑलराइट, इसमें आप ज्योग्राफी ऑनर्स भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है आपको मैं बता दूं, लेकिन ज्योग्राफी साइंस का सब्जेक्ट है, बट स्टिल आर्ट्स और सोशल साइंस दोनों के विद्यार्थी ज्योग्राफी ऑनर्स के रूप में पढ़ाई कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम कॉम्बिनेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले में पहला कॉम्बिनेशन है AIHC, का मतलब होता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, एक सब्जेक्ट है, एंड आर्कियोलॉजी। HOA का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ आर्ट और लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, भाषा विज्ञान जिसे हिंदी में कहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग भी है। ऑलराइट, अगर इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो लिंग्विस्टिक्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप प्रोनंसिएशन बहुत अच्छी सीख जाते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं कि AIHC, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, लिंग्विस्टिक, और उसके साथ साथ आप हिंदी, MIL फॉरेन लैंग्वेज फिलोसफी, ज्योग्राफी इंग्लिश, CL अरब हिस्ट्री एंड कल्चर। तो बात यह है कि तीन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। एक तो आपका सबसे पहले जो लिखा है इन सब में ऑनर्स पेपर के रूप में इसे ले सकते हैं, मतलब कि इस सब्जेक्ट को आप तीनों साल पढ़ेंगे, और बाकी जो सेकेंड और थर्ड कॉलम में लिखा है ये सब्जेक्ट आपके सेकेंडरी होंगे, और इनको दो साल तक आपको पढ़ना है, तीसरे साल में इन दोनों सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। इसके अलावा BA ऑनर्स आर्ट्स में आपको एक कंपलसरी लैंग्वेज चूज़ करना होगा। कंपलसरी लैंग्वेज में आप कुछ भी ले सकते हैं, मैक्सिमम तो फॉरेन भाषाएं लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन हिंदुस्तानी भाषाएं भी है उसमें, क्लासिकल लैंग्वेज जिसको कहते हैं। ऑलराइट, तो इसे जानिए। तो पहला कॉम्बिनेशन आपको मैंने बता दिया, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा इनफैक्ट। ऑलराइट, फिर है AIHC हिस्ट्री ऑफ आर्ट लिंग्विस्टिक की ऑनर्स में, इसके बाद हिंदी इंग्लिश MIL एंड दिस इज FL दैट इज़ फॉरेन लैंग्वेज, ओके, फिलोसफी अरब हिस्ट्री कल्चर एंड ज्योग्राफी, ये थर्ड सब्जेक्ट में है। इसके बाद इंग्लिश ऑनर्स आप ले सकते हैं, इंग्लिश के साथ में आप ले सकते हैं हिंदी, क्लासिकल लैंग्वेज ले सकते हैं, MIL ले सकते हैं, एंड देन अरब हिस्ट्री एंड कल्चर भी ले सकते हैं। ऑलराइट, और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि फिलोसफी ऑनर्स के साथ साथ थर्ड सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन होगा वो इंग्लिश हो सकता है, क्लासिकल लैंग्वेज हो सकता है, अरब हिस्ट्री एंड कल्चर भी हो सकता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स, ये स्पेशल कॉम्बिनेशन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, ये जो स्पेशल कॉम्बिनेशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 10 छात्र छात्राएं एडमिशन लेते हैं, बस 10 छात्र छात्राएं का ही ये मैक्सिमम अवेबिलिटी है, ये EMS मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो मैथमेटिक्स के साथ अब स्टैटिस्टिक्स एंड फिलोसफी भी सेकेंड कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, हिंदी, ज्योग्राफी, क्लासिकल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, अरब हिस्ट्री एंड कल्चर भी ले सकते हैं। इसके बाद वोकेशनल सब्जेक्ट में आप बात करते हैं तो इंग्लिश ऑनर्स के साथ साथ इंग्लिश ऑनर्स या फॉरेन लैंग्वेज ऑनर्स में जब होगा तो आप क्लासिकल लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स ले सकते हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्ट और ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। इसके अलावा थर्ड कॉम्बिनेशन में कम्युनिकेटिव इंग्लिश,
सेल्समैनशिप, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस, सेक्रेटेरियल टेक्निक एंड स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा। स्टेनोग्राफी भी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आठवां जो कॉम्बिनेशन है वो AIHC आपका ऑनर्स सब्जेक्ट में, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, लिंग्विस्टिक। इसके अलावा सेकेंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो होगा आपका हिंदी, इंग्लिश, क्लासिकल लैंग्वेज या ज्योग्राफी। और तीसरा कॉम्बिनेशन में आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी या फिर टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट भी जैसे सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, और काफ़ी स्कोरिंग है वो भी। इसके अलावा नाइन्थ जो कॉम्बिनेशन है ये है आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश या हिंदी, ये ऑनर्स में है। इसके अलावा सेकेंड कॉम्बिनेशन जो होगा वो स्टैटिस्टिक्स, फिलोसफी, ज्योग्राफी या क्लासिकल लैंग्वेज होगा। क्लासिकल लैंग्वेज मतलब हिंदुस्तान की जो पुरानी भाषाएं हैं, पुरानी इन द सेंस की जो साउथ इंडियन है या कुछ पाली है, प्राकृत है, ये सब भाषाओं का भी प्रावधान है यहाँ पे। अकाउंटेंसी, ऑडिट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये आप तीसरे कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं नाइन सब्जेक्ट के। इसके बाद अब स्पेशल कॉम्बिनेशन, आपको मैंने बताया कि मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, ये आपके फर्स्ट टू सब्जेक्ट्स होंगे, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी या ज्योग्राफी भी आप ले सकते हैं। एक बात और बता दूं कि जो आर्ट्स के विद्यार्थी होंगे वो सिर्फ ऑनर्स में सोशल साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी जो सेकेंड और थर्ड सब्जेक्ट आपका होगा वो आप पढ़ सकते हैं सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट को, लेकिन ऑनर्स नहीं ले सकते उसमें, एक्सेप्ट ज्योग्राफी और जो स्पेशल कॉम्बिनेशन है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी दोनों के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स और सोशल के दोनों, ये साइंस का सब्जेक्ट है बेसिकली। ऑलराइट, अब हम चलते हैं 11वें कॉम्बिनेशन में हिंदी। हिंदी अगर ऑनर्स लेते हैं तो सेकंड सब्जेक्ट आप इंग्लिश ले सकते हैं। थर्ड सब्जेक्ट में साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा जब हिंदी दूसरा कॉम्बिनेशन अगर होगा आपका ऑनर्स में तो फिर क्लासिकल लैंग्वेज ले सकते हैं, अरब हिस्ट्री एंड कल्चर सेकेंड लैंग्वेज में हो सकता है, मतलब सेकेंड कॉम्बिनेशन में हो सकता है, एंड देन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। देन इट कम्स अनदर हिंदी एज ऑनर्स, उसके साथ साथ आप AIHC ले सकते हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, थर्ड कॉम्बिनेशन में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए ये सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे के सारे सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं, बट स्टिल यू कैन टेक एज सब्सिडरी। इसके अलावा जब इंग्लिश ऑनर्स आप लेते हैं, ये अलग कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश के साथ में आप फॉरेन लैंग्वेज भी ले सकते हैं, जैसे कि फ्रेंच हो गया, चाइनीज़ हो गया, जापनीज़ हो गया, ये सब भाषाएं भी पढ़ाई जाती है, जर्मन हो गया। और थर्ड कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ऑलराइट, देन इट कम्स इंग्लिश अनदर कॉम्बिनेशन, इंग्लिश एज ऑनर्स, देन सेकेंड में आपका होगा फिलोसफी, एंड थर्ड में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं इनमें से। इसके बाद एक और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है, उसके साथ आप क्लासिकल लैंग्वेज ले सकते हैं, अरब हिस्ट्री एंड कल्चर ले सकते हैं, और थर्ड कॉम्बिनेशन में इकोनॉमिक्स मतलब सोशल साइंस का सब्जेक्ट एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड ज्योग्राफी भी ले सकते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन में। एक और है इंग्लिश का कॉम्बिनेशन, तो सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन यहाँ पे इंग्लिश का है, ठीक है ना। और ज्योग्राफी आप ऑनर्स में ले सकते हैं, इसके लिए कटअप सबसे ज़्यादा जाती है ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए। ऑलराइट, तो एक और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन के साथ आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर ले सकते हैं, HOA ले सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स ले सकते हैं, सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं थर्ड मतलब कि थर्ड सब्जेक्ट के रूप में। इसके अलावा फिलोसफी अगर आप ऑनर्स लेते हैं तो आप सेकेंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में AIHC एंड इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, लिंग्विस्टिक्स ले सकते हैं, एंड देन थर्ड सब्जेक्ट में आप सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं इंक्लूडिंग ज्योग्राफी विच इज़ फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट। इसके बाद फिलोसफी अगर आप सेकेंड कॉम्बिनेशन में ऑनर्स लेते हैं तो उसके साथ आप हिंदी भी ले सकते हैं, थर्ड कॉम्बिनेशन में सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें आता है आपका सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी विच इज़ साइंस सब्जेक्ट। इसके बाद अगर आप AIHC एंटियन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्ट और लिंग्विस्टिक अपने ऑनर्स में रखते हैं तो आप ले सकते हैं क्लासिकल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, अरब हिस्ट्री एंड कल्चर एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ज्योग्राफी एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। और अगर आप फॉरेन लैंग्वेज को लेते हैं अपने ऑनर्स के रूप में तो उसके साथ आप ले सकते हैं सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में हिंदी, इंग्लिश, फिलोसफी, थर्ड सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो ये मुख्य रूप से 21 कॉम्बिनेशन हैं जो दिए जाते हैं BHU में BA आर्ट्स फैकल्टी में, और आप इन सब चीज़ों को
अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। MIL का मतलब था कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिसमें उर्दू, मराठी, तेलुगू, तमिल, नेपाली, कन्नड़ा, बंगाली ये सारी भाषाएं आती है। फॉरेन लैंग्वेज में जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़ एंड रशियन चार भाषाएं आती है जो BHU में पढ़ाई गई है, और अब एक दो भाषाएं और भी शुरू की जा रही हैं। इनफैक्ट तो क्लासिकल लैंग्वेज में आता है आपका संस्कृत, पाली, पर्शियन, अरेबिक। कंपलसरी लैंग्वेज में क्या क्या ले सकते हैं आप, आपको मैं बता दूं कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, संस्कृत, पाली, तेलुगू, तमिल, नेपाली, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, चाइनीज, अरेबिक, मराठी ये सारी भाषाएं आप ले सकते हैं। आपको मैं फिर से बता दूं कि जो ऑनर्स का सब्जेक्ट होगा वो आप तीनों साल पढ़ेंगे, और बाकी जो दो सब्जेक्ट हैं वो सिर्फ आप दो साल पढ़ पाएंगे, और अगले मतलब लास्ट ईयर में आपको छोड़ना पड़ेगा। और कंपलसरी लैंग्वेज आप तीनों साल पढ़ते हैं, जिसमें एक मतलब जो मुख्य रूप से किसी भी भाषा को आप ले सकते हैं, जिसमें बेसिकली लोग ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेज लेते हैं क्योंकि आपको सीखने का मौका मिल जाता है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण था, आपने देखा, अगर पसंद किया तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके से अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें महामना एजुकेशन हब, क्योंकि आपके एजुकेशन से रिलेटेड हर एक जानकारी और अपडेट्स लाता रहता है हिंदुस्तान के अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, हर एक चीज़ के बारे में जो भी मैं समझता हूँ कि आप तक पहुँचाना चाहिए, मैं पहुँचाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन।